वेलकम अगेन इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। तो हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी 12th का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो हमारा टॉपिक है आज का ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज़। देखो बेटा, ऐसे सर्वे किए गए जिससे पता चला कि बहुत सारे लोग जो हैं ड्रग और एल्कोहल पर निर्भर होते जा रहे हैं, स्पेशली यूथ। और इसका हम लोग ने पूरा डाटा एनालिसिस तैयार किया। तो क्या लिखा है, सर्वे एंड स्टैटिक्स शोज दैट यूज ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल हैज़ बीन ऑन राइज स्पेशली अमंग द यूथ, यानी यूथ में बहुत ज़्यादा ये बढ़ता जा रहा है प्रचलन। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका कारण बहुत सारा है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ रियली ए कॉज ऑफ कंसर्न, यानी हमें इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा वरना ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट दिखाएगा। लिखा है ना, एज इट कुड रिजल्ट इन मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स, यानी अगर हम अभी भी सजग नहीं हुए, अगर अभी भी हम जागरूक नहीं हुए ड्रग या अल्कोहल के यूज़ को लेकर के, तो क्या होगा, ये बहुत दुष्प्रभाव डालेगा हमारे सोसाइटी पे, स्पेशली यूथ पे। इसका बेटर क्या है, इसको कंट्रोल करने का तरीका बेटर यही है कि भाई प्रॉपर एजुकेट करें लोगों को, गाइडेंस दें उनको, और स्पेशली किसको, यूथ को, जिससे यूथ क्या करे, बच सके, यानी सेफ गार्ड देम सेल्फ, यानी अपने आप को बचा सके। किसके अगेंस्ट बचा सके, बुरे प्रभाव से, किसके बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव से बचा सके, बिहेवियर पैटर्न, डेंजरस बिहेवियर पैटर्न एंड फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी उसका जो बिहेवियर में परिवर्तन आ रहा है, बहुत बुरा परिवर्तन आ रहा है, जिससे वो बच सके और उसकी लाइफस्टाइल हमारी आपकी लाइफस्टाइल जैसे हेल्दी मेंटेन रहे। ठीक है, कौन कौन सी ड्रग्स हैं बेटा जिनको ये अक्सर अब्यूज़ करते हैं? नंबर वन है ओपियाइड्स है, दूसरा है कैनाबिनाइड्स, तीसरा है कोका एल्कलाइड्स। ठीक है, ये कॉमनली यूज्ड हैं, ऐसे तो और भी बहुत सारी हैं, परंतु ये जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है वो कॉमनली है। मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट, यानी ज़्यादातर इनमें से हमें फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म से मिलती है, लेकिन कुछ बेटा कहाँ से मिलती है, कुछ और हमें मिलती है फंजी वगैरह से। तो याद रखिएगा, ज़्यादातर मिलती हैं हमें एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट से, लेकिन कुछ हमें मिलती हैं फंजी वगैरह से। इज दैट क्लियर? और देखिए इस फिगर में दिखाया गया है, अल्कोहल का अब्यूज़ हो जाता है, सिगरेट का अब्यूज़ हो जाता है बेटा, और क्या हो जाता है, बहुत सारे टैबलेट्स रखी हुई हैं, ये देखिए नशे के इंजेक्शंस रखे हुए हैं, ये नशे के इंजेक्शंस खड़े हैं, ये देखिए कोकीन, चरस, गांजा, ये सब भांग, ये सब रखा हुआ है, तो इन सब का लत लग जाता है अक्सर यूथ में, तो इन्हीं से हमें बच्चों को बचाना है। सबसे पहला है बेटा ओपियाइड्स। ओपियाइड्स वो होते हैं जो अफीम वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको बोलते हैं ओपियाइड्स। तो ओपियाइड्स एक ऐसी दवा है जिसके लिए रिसेप्टर हमारे दो जगह पे होंगे, एक होता है बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एक जगह रिसेप्टर होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और दूसरा होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में। तो दो जगह रिसेप्टर होते हैं, यहीं पे ड्रग्स आकर के बनती है, इन्हीं रिसेप्टर्स पे ड्रग आकर के बन जाती। कौन सी ड्रग्स? ओपियाइड्स। तो ओपियाइड्स एक ऐसी दवा है, एक ऐसी ड्रग है विच बाइंड्स टू स्पेसिफिक ओपियाइड्स रिसेप्टर, जो स्पेसिफिक ओपियाइड्स रिसेप्टर से जाके बनती है। और ये रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो वहाँ जाके बनेगी। और कहाँ बनेगी? जीआईटी में, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में। देखिए बेटा, ओपियाइड से एक बहुत खतरनाक केमिकल मिलता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, मॉर्फिन। तो मॉर्फिन उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उसको सिंथेटिक रूप दे दिया है। मॉर्फिन नेचुरली मिलता है ओपियाइड से, लेकिन उसको हम लोगों ने सिंथेटिक बना दिया है, यानी लैब में उसको मॉडिफाई कर दिया है। मॉर्फिन का नाम होता है बेटा, ये देखिए मॉर्फिन दिया हुआ है, हमने उसमें दो एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिए, तो ये खतरनाक हो गया और ये बन गया हेरोइन, हेरोइन। ठीक है, उसी को स्मैक भी बोलते हैं, हेरोइन को और क्या बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक। और ये केमिकली क्या होता है, मॉर्फिन में दो एसिटाइल ग्रुप जोड़ दो तो नाम पड़ गया डाई एसिटाइल मॉर्फिन। ये नमक जैसा वाइट कलर का पदार्थ होता है बेटा, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, लेकिन नमक जैसा नमकीन ना होकर के ये कड़वा होता है, यानी बिटर इन टेस्ट। और नमक जैसे ही इसमें भी ओडर लेस होता है, मतलब कोई दुर्गंध नहीं होती, कोई खुशबू नहीं होती, तो इसी तरीके का कंपाउंड है। ठीक है, ये देखिए बेटा नमक जैसा है, और इस सीट पे रख के इसको या तो सिगरेट में भर के पी लेंगे या तो सूंघ लेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, ये वाइट है, ओडरलेस है, बिटर है, क्रिस्टलाइन है।
ठीक है। और ये कहां से मिला, ये हमें मिला एसाइलेशन से। किसके एसाइलेशन से मिला, मॉर्फिन। कितने एसिटाइल ग्रुप जोड़े, दो। तो लिखा है ना, दिस इज ऑब्टेन बाय एसाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ठीक है। और विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, इसको हम लोग ने ऑपियाइड्स को निकाला था लेटेक्स से। लेटेक्स क्या होता है, दूधिया पदार्थ जो कि कच्चे फलों से मिलता है। कच्चे फल यानी अनराइपेंड फ्रूट, अभी मैं दिखाऊंगा आपको इसको फिगर में, अनराइपेंड फ्रूट जिसका नाम होता है कैप्सूल। तो अनराइपेंड कैप्सूल से निकलता है लेटेक्स जो कि मिल्की सब्सटेंस होता है, जैसे कटहल में होता है, जैसे कच्चे पपीते में होता है, जैसे पीपल की पत्तियों में, बरगद की पत्तियों से दूधिया पदार्थ निकलता है, उसी को लेटेक्स कहते हैं। तो इसको निकाला जाता है फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट जिसका साइंटिफिक नेम होता है पेपेवर सोमनीफेरम, फैमिली का नाम होता है पेपरवेसी, इससे निकाला जाता है। जनरली टेकन बाय स्नोर्टिंग, यानी इसको बताया ना आपको, इसको सूंघा जाता है, कैसे अभी बताता हूँ। और या फिर इंजेक्टिव फॉर्म में लिया जाएगा, या तो इसको स्नोर्ट करेंगे सूंघ के लेंगे, या तो इंजेक्टिव फॉर्म में लेंगे। और हेरोइन जो होता है ये डिप्रेसेंट होता है, पूरे ऑपियाइड्स के जितनी भी ड्रग्स होती है बेटा डिप्रेसेंट्स होती हैं। डिप्रेसेंट्स उन दवाओं को बोलते हैं जो हमारे बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देती हैं, यानी इनको लेने के बाद व्यक्ति कामिंग इफेक्ट महसूस करेगा, यानी उसको लगेगा कि हम खुश हैं, हमें टेंशन नहीं है, हम बहुत अच्छा कंफर्ट जोन में जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका स्मैक या हेरोइन। देखिए पाउडर जैसा है, क्रिस्टलाइन है, कोई स्मेल नहीं होती, सिगरेट में भर के लिया जा सकता है, या फिर देखो इस पे इस एक वो एल्युमिनियम फाइल ली, उसके ऊपर ये पाउडर रख दिया, उसके बाद नीचे से उसको गर्म किया, गर्म करने से देखो ये पिघल गया, वोलेटाइल होता है, पिघल जाता है, पिघलने के बाद काले कलर के सब्सटेंस में बदल जाता है। और इसके वेपर्स नीचे से जब ये गर्म करेंगे तो वेपर्स वो उड़ेंगे और व्यक्ति नोज से उसको सूंघ लेता है। तो ये हो गया इसका लेने का तरीका, या तो इनहेल कर लेंगे या तो स्नोर्ट कर देंगे, ठीक है। और मॉर्फिन, देखो मॉर्फिन का बेटा इंजेक्शन भी बनाया जाता है। क्यों, मॉर्फिन का इंजेक्शन वैलिड इंजेक्शन है बेटा, ये उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनकी सर्जरी हो गई। तो उसको क्यों दिया जाता है, क्योंकि इसके दो इफेक्ट होते हैं, ये नींद लाता है यानी सीडेटिव है, ये सीडेटिव है, नींद लाएगा यानी ब्रेन को कामनेस महसूस कराएगा, थोड़ा सा नींद आएगी हल्की हल्की और व्यक्ति बिल्कुल रिलैक्स महसूस करेगा। और पेन किलर भी होता है, एनल्जेसिक भी बोल सकते हैं बेटा, पेन किलर भी होता है। तो मॉर्फिन किसको दिया जाता है, ऐसे पेशेंट्स को दिया जाता है जिनकी जिनके अंदर सर्जरी हो चुकी है। ये इसका देखिए मॉर्फिन का केमिकल फार्मूला है, जब इसमें दो एसिटाइल ग्रुप जोड़ दोगे तो बेटा ये हीरोइन या स्मैक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑपियम पॉपी प्लांट है, ऑपियम या पॉपी प्लांट है, फैमिली का नाम होता है पेपरवेसी और साइंटिफिक नेम था पेपेवर सोमनीफेरम। ये इनके अनराइपेंड कैप्सूल, ये अनराइपेंड कैप्सूल है, ये तो क्या है, ये कली है, बड, ये बड है, ये अनराइपेंड कैप्सूल है, और ये है इसका फ्लावर, पिंक कलर का होता है। फ्लावर ही जब फर्टिलाइज हो जाता है तो ये बना देता है फ्रूट जिसको कैप्सूल बोलते हैं, इसी के लेटेक्स से निकाला जाता है। ये देखिए बेटा इसका, ये रियली में एक फिगर दिखाया गया है, ये देखिए पिंक कलर का इसका फूल होता है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अट्रैक्टिव कलर का है। और जब ये फूल जो है फल में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसी फल को बोलते हैं हम लोग क्या, अनराइपेंड कैप्सूल। ये देखिए, ये देखिए, ये अनराइपेंड कैप्सूल बन गया इसका, पूरा मैच्योर हो गया। ये देखिए थोड़ा इमैच्योर था, ये और मैच्योर हुआ, ये सबसे ज्यादा मैच्योर हो गया, इसी के लेटेक्स से निकालते हैं, ठीक है, इज दैट क्लियर। दूसरी ड्रग है बेटा कैनाबिनाइड्स। तो कैनाबिनाइड्स आर द ग्रुप ऑफ केमिकल, ये भी एक ऐसे केमिकल का ग्रुप होता है जिसमें रिसेप्टर पाए जाते हैं ब्रेन में, जिसके लिए रिसेप्टर पाए जाते हैं ब्रेन में। तो इसके रिसेप्टर कहाँ पे होंगे बच्चा, तो इसके रिसेप्टर होंगे ब्रेन में, यहीं पे आके कैनाबिनाइड्स वाली ड्रग जुड़ेंगी। तो क्या लिखा हुआ, कैनाबिनाइड्स इज द ग्रुप ऑफ केमिकल जो कि फिगर 8.9 में अभी दिखाऊंगा, विच इंटरैक्ट विद कैनाबिनाइड्स रिसेप्टर प्रेजेंटली या प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन, यानी ज्यादातर ये ब्रेन में प्रेजेंट होती है। नेचुरल कैनाबिनाइड्स आर ऑप्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट ऑफ कैनाबिस सटाइवा। ज्यादातर हम लोग किस पौधे के इन्फ्लोरेसेंस से निकालते हैं, कैनाबिस सटाइवा, देखो कैनाबिस सटाइवा से ही नाम पड़ा है कैनाबिनाइड्स। ये कहाँ से निकालते हैं हम लोग, फ्लोरल टॉप से, फ्लावर के टॉप से, यानी जो नाजुक फूल होते हैं उनसे निकालते हैं, और पत्तियों से निकालते हैं, और उसके रेजिन से निकालते हैं। कहाँ कहाँ से, तीन चीजें आ सकती हैं, फ्लोरल टॉप, लीव्स और रेजिन। कौन से पौधे के, कैनाबिस प्लांट्स के पौधे के साथ। कैनाबिस प्लांट किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं भांग का पौधा, भांग का पौधा, और भांग की खेती भी करी जाती है इधर जालौन वगैरह की तरफ, ठीक है। लेकिन इसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, ऐसे कोई भी नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट के लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो फ्लोरल टॉप्स, लीव्स एंड रेजिन ऑफ कैनाबिनाइड्स प्लांट आर यूज्ड टू वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस मर्जियाना, इससे मर्जियाना निकालते हैं, हसीद निकालते हैं, चरस निकालते हैं, ठीक
ठीक है ना, गांजा निकालते हैं, भांग निकालते हैं, तो भांग वाला पौधा इसी को बोलते हैं, उसको अफीम बोलते थे, इसको भांग बोलते हैं। जनरली ये कैसे लिया जाता है, ये भी इनहेल किया जाता है, ये भी इनहेल किया जाता है, ठीक है, यानी ओरली ले लेंगे, इनहेल कर लेंगे या सूंघ लेंगे, तो ओरल इंजेक्शन कर सकते हैं, इनहेलेशन कर सकते हैं। एंड दीज आर नोन एज दियर इफेक्ट ऑन कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम ऑफ बॉडी। ये हमारे किस सिस्टम पर प्रभाव डालते हैं, तो ये हमारे उस सिस्टम पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है, यानी ये हम लोगों के कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम पर असर दिखाती है। फिर ये देखिए, ये फिगर दिया हुआ है इसका, कैनाबिनाइड्स मॉलिक्यूल का, कैनाबिनाइड्स मॉलिक्यूल का फिगर दिया हुआ है, और ये है उसकी पत्तियाँ। बताइए इसकी पत्तियाँ पामेट है कि पिन्नेट, जल्दी से जवाब दीजिए। चूंकि वो एक ही जगह से निकल रही हैं, तो हमारे पाम जैसी है, इसलिए नाम पड़ा पामेट। इसकी लीफ होती है पाम जैसी, तो आंसर आ जाएगा पामेट लीव्स, पामेट कंपाउंड लीव्स, ठीक है। और ये देखिए, नेचुरली आपने भांग का पौधा देखा होगा, शिव जी को भी चढ़ता है भांग का पौधा, तो ये देखो भांग की पत्तियां शिव जी को भी चढ़ती हैं, तो ये वहां पे दिया हुआ है, क्लियर। ये अच्छा सा एनिमेशन आपके लिए निकाला है, आगे चलते हैं। अब आते हैं कोका एल्कलाइड्स पे। कोका एल्कलाइड्स को कोकीन नाम से सुना होगा आपने, कोकीन्स। तो कोकीन्स को कैसे ऑप्टेन किया जाता है, कोका प्लांट से ऑप्टेन करते हैं। क्या नाम है कोका प्लांट का, इसका साइंटिफिक नेम है इथ्रोजाइलम कोका, एरिथ्रोजाइलम कोका। और ये कहाँ का पौधा है, देखो आप बताओ, कोका कोला कंपनी कहाँ की है, कोका कोला कंपनी है साउथ अमेरिका की, तो ये वहीं पे पौधे के नाम से लिया गया, उसी के प्रोडक्ट को कोक में यूज़ किया जाता है एज ए स्टूमुलेंट, लेकिन बहुत रिकमेंडेड लेवल तक, यानी कि जितना अलाउड है उसके लिए, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, वरना ये फिर नार्कोटिक्स की श्रेणी में आ जाएगा। तो कोका एल्कलाइड्स और कोकीन इज ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट, कोका प्लांट का नाम होता है एरिथ्रोजाइलम कोका, जो कि कहाँ का नेटिव प्लांट है, साउथ अमेरिका का। ये इसके अंदर जो वो होते हैं केमिकल्स, वो केमिकल हमारे डोपामिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर को रोक देते हैं, जिससे हम रिफ्रेश फील करते हैं, जिससे हमारी बॉडी स्टूमुलेट हो जाती है और हम रिफ्रेशिंग कामिंग इफेक्ट महसूस करते हैं। तो इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। न्यूरोट्रांसमीटर एक निकलता है, नाम है इसका डोपामाइन, ये उसी को इंटरफेयर कर देता है और हम लोगों को स्टूमुलेट कर देता है। आपको पता होना चाहिए कि पार्किंसन डिजीज जो होता है, वो उसमें डोपामिन निकलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो याद रखो, एक डिजीज जिसमें डोपामिन निकलना बंद हो जाता है, उस रोग का नाम पूछा जा सकता है, तो पार्किंसन डिजीज। कोकीन, कोकीन जो होता है उसको कोक भी कहते हैं, या फिर क्रैक के नाम से भी मार्केट में जाना जाता है। इसको यूजली स्नोर्ट करते हैं, यानी लेते हैं, सूंघ करके लेते हैं, ठीक है। इट हैज़ ए पोटेंट स्टूमुलेटिंग एक्शन, देखो अभी बताया था कि ये स्टूमुलेटिंग एक्शन दिखाता है, और इसके लिए रिसेप्टर कहाँ होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इसके जो रिसेप्टर होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, यहीं पे जा करके ये बंध जाता है और फिर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टूमुलेट कर देता है। तो देखो लिखा क्या है, इट इज़ ए पोटेंट स्टूमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड प्रोड्यूसिंग द सेंस ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग, यानी कि हमें अच्छा महसूस होना जब तक ड्रग लिए रहेंगे तब तक, यानी टेम्परेरी फीलिंग है कि परमानेंट, तो आंसर आएगा टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग। तो प्रोड्यूसिंग ए सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी, और ये बॉडी के अंदर एनर्जी भी बढ़ा देती है, और व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे अब वो बहुत अच्छा सा महसूस कर रहा है, रिफ्रेश कर देता है। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद भी, कोका कोला पीने के बाद भी क्या होता है, उसमें कोकीन होती है एक लिमिटेड अमाउंट में, तो हम लोगों को क्या होता है कि एक वेल बींग फीलिंग होती है, हमें लगता है कि हम रिफ्रेशिंग महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर एक्सेसिव डोज ले लेंगे कोकीन की, तो क्या हो जाएगा, तो हॉलोसिनोसन हो जाएगा। हॉलोसिनोसन का मतलब क्या हो जाता है, जैसे आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी है, बहुत ज़्यादा संजय दत्त शराब वगैरह पीता था, बहुत सारे ड्रग्स लेता था, तो क्या होता था, उसको गांधी जी दिखने लगते थे, यानी जो चीज़ ना होना रियलिटी में वैसा महसूस होना, उसको बोलते हैं हॉलोसिनोसन। यानी कोई चीज़ है, आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में आ गए हो, बिल्कुल स्वर्ग में चल रहे हो, बादलों पे चल रहे हो, आपके सामने इंद्रलोक आ गया है, इस तरीके से आपको गलत महसूस होगा, आपको किसी की आवाज़ दिखाई पड़ेगी, अरे आवाज़ दिखाई पड़ेगी, हवा दिखाई देने लगेगी आपको, ठीक है ना, और जो मतलब जो फॉल्स फीलिंग है ना, वो महसूस होने लगेगी, उसी को बोलते हैं हॉलोसिनोसिक इफेक्ट। अदर वेल नोन प्लांट विद हॉलोसिनोजिक प्रॉपर्टी आर एट्रोपा बेलाडोना। एक पौधा होता है वो भी एट्रोपा बेलाडोना नाम का, वो भी हॉलोसिनोजिक प्रॉपर्टी शो करता है, और जो शिव जी को धतूरा चढ़ता है वो भी करता है, ठीक है। दीज डेज कैनाबिनाइड्स आर बींग यूज बाई स्पोर्ट्समैन। आजकल कैनाबिनाइड्स बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्समैन यूज़ कर रहे हैं,
और इसको टेस्ट करने के लिए डोपिंग टेस्ट किया जाता है, DOPING, डोपिंग टेस्ट, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये एरिथ्रोजाइलन कोका है, ये कोका प्लांट है जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है, उससे निकालते हैं कोकीन। और ये है बेटा धतूरा, जो अभी बताया शिव जी को चढ़ता है, तो धतूरा ऐसा होता है, ठीक है। इसके फल देखो ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा कांटे निकले होते हैं ऐसे ऐसे, अभी दिखाएंगे, अभी आगे हमारे पास इमेज है, तो ये देखिए, क्लियर। अब देखिए क्या कह रहा है, कुछ ड्रग है जैसे बारबिट्यूरेट्स, बारबिट्यूरेट्स जो ड्रग होती है ये नींद की दवा है, ये है सीडेटिव या हिप्नोटिक, हिप्नोटिक वो होती है जो ज़्यादा नींद लाए, अगर कम नींद लाएगी तो सीडेटिव बोलेंगे। तो बारबिट्यूरेट्स और बेंजोडाइजिपिन्स, ये दोनों तो नींद वाली दवाएं हैं। एम्फिटामिन्स क्या है, एम्फिटामिन स्टूबुलेंट है, ये क्या है, स्टूबुलेंट। और ये दोनों क्या है, इसको आप हिप्नोटिक बोल दो या सीडेटिव बोल दो, हिप्नोटिक, हिप्नोटिक जिससे नींद लाए, सीडेटिव जिससे नींद कम लाए लेकिन इफेक्ट वैसा ही करे, तो सीडेटिव। तो ये और ये सीडेटिव हो गया, एम्फिटामिन स्टिमुलेंट हो गया, ये भी ऐसी ही दवाएं हैं जिनको हम लोग कब यूज करते हैं, जिनको मेडिसिन के रूप में यूज कर सकते हैं, किस तरह के पेशेंट पे यूज करेंगे जो कि मानसिक रूप से बीमार है, यानी मेंटल इलनेस अगर उसको है, यानी कि वो उसको सही से नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन का शिकार हो गया है, डिप्रेशन में है, नींद नहीं आ रही है, तो वो अक्सर इसको उसकी लत लग जाया करती है, इन व्यक्तियों को ये दवाएं लेने से लत लग जाती है, मतलब जब तक कि नींद की दवाएं नहीं लेंगी, एम्फिटामिन नहीं लेंगे, तब तक उनको अच्छा महसूस नहीं होगा। देखो डिप्रेशन में जब कोई चला जाए, या फिर मान लो रात को नींद नहीं आ रही है, तो ये लोग अगर ये दवाएं लेंगे तो इनको लत लग जाएगी इस दवाओं की, ठीक है। ये देखिए हॉलोसिनोजिक इफेक्ट हो रहा है, इसको अपनी सच्चाई नहीं दिख रही है, देखो बिल्कुल धुंधला धुंधला सब कुछ हो गया है, सच्चाई से परे चली गई, अपनी शक्ल ही आपको नहीं याद रहेगी कि आप कैसे दिखते हो, ये वो, आप अपनी रियलिटी को भूल जाओगे, तो इसी को बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या लिखा है, मॉर्फिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सिडेटिव और पेन किलर था, यानी हल्की सी नींद भी आएगी, अच्छा भी लगेगा और दर्द भी नहीं होगा। किसको दिया जाता है, बताता हूँ शुरुआत में, ये उस पेशेंट को दिया जाता था जो जो कि सर्जरी से गुजर चुका है, यानी हु हैव अंडरगोन सर्जरी, मतलब सर्जरी के बाद हल्की सी नींद लाने की दवा दी जाती है और दर्द निवारक दवाएं दी जाती हैं, उनमें मॉर्फिन एक कारगर दवा है। सेवरल प्लांट्स फ्रूट एंड सीड, बहुत सारे पौधे और कुछ फल कुछ बीज, उनमें हॉलोसिनोजिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और ऐसा आज से नहीं, हम लोग बहुत सैकड़ों सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, कहाँ पे, फोल्क मेडिसिन में। अब फोल्क मेडिसिन क्या होती है, पारंपरिक दवाएं, जैसे प्याज का क्या उपयोग है, जैसे हल्दी का क्या उपयोग है, धतूरे का क्या उपयोग है, इन सब का, शहद का क्या उपयोग है, तो पारंपरिक दवाओं के रूप में यूज़ किया जा रहा है, उसको बोलते हैं फोल्क मेडिसिन, ठीक है ना। और क्या, ये देखो ये धतूरा वगैरह शिव जी को चढ़ता है, यानी कि पारंपरिक चीजों के लिए भी यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे फ्रूट, बहुत सारे सीड, ये हालोसिनोजिक प्रॉपर्टी होती है, इसको सैकड़ों सालों से यूज करते आ रहे हैं, कहाँ, वो पारंपरिक दवाओं के रूप में, ठीक है, यानी खुरदरी दवाओं के रूप में, रिलीजियस सेरेमनीज के रूप में, यानी कि धार्मिक सेरेमनीज जो है उनके रूप में, रिचुअल्स यानी परंपराओं में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब, पूरे संसार में ऐसा होता चला जा रहा है, यानी हॉलोसिनोजिक इफेक्ट कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। व्हेन दीज आर टेकन फॉर अ पर्पस अदर देन मेडिसिन, अगर मान लो इनको मेडिसिन की बजाय कुछ और यूज करने लगे, तो नशे के लिए यूज होगा, तो मेडिसिन की जगह कुछ और पर्पस के लिए यूज करें, तो फिर क्या हो जाता है, इससे क्या दिक्कत होगी, ये इम्पेयर कर देगा, इम्पेयर मतलब खराब कर देना, किसको खराब कर देगा, किसी व्यक्ति की फिजिकल एक्टिविटी को, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को, या फिर उसकी साइकोलॉजिकल फंक्शन को ये खराब कर देता है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द ड्रग एब्यूज, और यही लत कहलाता है ड्रग एब्यूज, यही लत लग जाने को बोलते हैं ड्रग एब्यूज, यानी ड्रग की बुरी लत में आ गया है ऐसा व्यक्ति, ठीक है। डिप्रेशन बता दिया था, डिप्रेशन के केस में होता है, ठीक है, आपके नींद न लाने के लिए यूज़ की जाती हैं दवाएं, लेकिन इनकी लत लग जाती है, ठीक है। हॉलोसिनोजिक इफेक्ट दिखाती हैं, जैसे एट्रोपा बताया था, धतूरा बताया था, और भी बहुत मेडिसिन होती है, फोल्क मेडिसिन में भी बहुत समय से इलाज करते आए हैं, इनमें भी हॉलोसिनोजिक प्रॉपर्टी होती है, धतूरा में भी हॉलोसिनोजिक प्रॉपर्टी होती है। अब आते हैं स्मोकिंग, तो स्मोकिंग ऑल्सो पेव द वे टू हार्ट ड्रग, स्मोकिंग भी एक हार्ट ड्रग है, मतलब ये भी एक हार्ट ड्रग है, अभी जो दवाएं पढ़ रहे थे वो भी हार्ट ड्रग थी,
तो ये भी हार्ड ड्रग होती है बहुत, मतलब इसका हार्ड ड्रग वो दवाई होती है जिसकी जल्दी लत लग जाती है और जो छूटती नहीं है जल्दी। तो स्मोकिंग भी एक तरह का हार्ड ड्रग है। टोबैको हैज़ बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग। टोबैको ह्यूमन बीइंग किस किस रूप में यूज़ करता है और कितने समय पुराना ये है? 400 सालों से भी ज़्यादा इसका यूज़ किया जा रहा है, 400 साल से भी ज़्यादा पुराने समय से इसका यूज़ किया जा रहा है। इसको कैसे यूज़ करते हैं? देखो इस फिगर में देखो, एक ब्यूटीफुल लड़की है और वो स्मोक कर रही है, दम मार रही है, ठीक है। यहाँ देखो ये भाई साहब हैं कानपुर में, ये गुटखा खा रहे हैं या कहीं पे भी हैं गुटखा खा रहे हैं, शिखर गुटखा। यहाँ पे देखो सूंघ के ले रहे हैं ये भाई साहब तम्बाकू को, इन्होंने काफ़ी वो कर लिया फाइन और सूंघ के ले रहे हैं। तो स्मोकिंग करी जा सकती है, ठीक है ना, इसको चबा के च्यूइंग करी जा सकती है, स्निफिंग करी जा सकती है, तो कई तरीक़ों से ली जा सकती है। तो देखो क्या लिखा है, इट इज़ स्मोक्ड, इट इज़ च्यूड, या फिर स्नफ यानी सूंघ के ले सकते हैं। टोबैको कंटेन लार्ज नंबर ऑफ केमिकल। टोबैको में तो वैसे बहुत केमिकल होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है निकोटीन। निकोटीन की वजह से ही लत लग जाती है, जो कि एक एल्कलाइड है, और ये इसमें बहुत सारे केमिकल भी होते हैं, जैसे टार वगैरह जो टोबैको स्मोक में होता है, उससे वो सब कार्सिनोजेनिक एजेंट भी होते हैं, ठीक है। तो निकोटीन है क्या? एल्कलाइड। निकोटीन क्या है? एल्कलाइड। एल्कलाइड वो होते हैं जो बिटर और इन टेस्ट होते हैं। तो निकोटीन जो होता है ये हमारी एड्रीनल ग्लैंड, जो कि किडनी के ऊपर पाई जाती है। किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? एड्रीनल या सुप्रा रीनल ग्लैंड। ये उसी पर जाके अटैक करती है। जब ये उस पर जाके अटैक करेगी निकोटीन, तो ये क्या करेगा? ये ज़्यादा से ज़्यादा एड्रीनलिन निकालेगा। कौन सी चीज़ निकालेगा? एड्रीनलिन। और क्या निकालेगा? उससे मिलता जुलता एक केमिकल होता है नॉर एड्रीनलिन, और ये निकालेगा। तो आपको पता है कोई भी ग्लैंड जो हार्मोन निकालती है वो कहाँ ड्रॉप करती है? ब्लड में। तो ये ब्लड में आ जाएगा। अब ब्लड में जब आ जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा तो ये हार्ट बीट को बढ़ा देता है, हार्ट बीट को बढ़ा देता है। जब हार्ट बीट बढ़ेगी तो हमारे ब्लड में ब्लड का फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा? विच रेज द ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज द हार्ट रेट। ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा और हार्ट रेट को भी बढ़ा देगा। और स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ लंग। स्मोकिंग करने से देखो आपको लगता होगा सिर्फ फेफड़ों में हमें कैंसर होता है, ऐसा नहीं है बेटा। फेफड़ों में तो कैंसर होगा ही होगा, लेकिन जब लार या सलाइवा में ये केमिकल होते हैं, जब ये पहुंचते हैं हमारे स्टोमक में, तो गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। ये देखो गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएगा। अब क्या होगा? जब धुआं हम गरम गरम अंदर लेंगे तो थ्रोट में कैंसर हो सकता है, थ्रोट में दिक्कत आ सकती है, ब्रोंकाई में जलन होगी, उसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। और क्या होगा? हमारी लंग्स की एल्विलाई की इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, उसको बोलते हैं एम्फिसीमा। तो एक एक करके याद करो, लंग्स खराब होगा, थ्रोट में कैंसर हो सकता है बेटा, ब्रोंकाई में जलन हो सकती है, उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, एल्विलाई की जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाती है। एल्विलाई किसे बोलते हैं? लंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को। और क्या हो जाता है बेटा? कोरोनरी हार्ट डिजीज हो जाती है। क्या हो जाती है? कोरोनरी हार्ट डिजीज। अब कोरोनरी हार्ट डिजीज क्या होती है? हार्ट को जो ब्लड वेसल सप्लाई करती है ब्लड, उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। इसमें क्या हो जाता है? इसमें जाके फैट वगैरह डिपॉजिट हो जाता है। जब फैट वगैरह डिपॉजिट हो जाएगा तो ये क्या होगा? यहां पे ब्लड सप्लाई हार्ट के मसल को कम मिलती है, इस डिजीज को बोलते हैं कोरोनरी हार्ट डिसऑर्डर, और इससे हार्ट अटैक या मायोकार्डल इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। फिर क्या लिखा हुआ है? तो ये सारी डिजीजेज याद रहेंगी। अच्छा अब आप बताओ, ब्लड के अंदर ये सारा चीजें एब्जॉर्ब होके जाएगा, टोबैको वाली चीज़ें, तो यूरिनरी ब्लैडर कैंसर हो जाएगा, क्योंकि किडनी इसको छानने का प्रयास करेगी तो यूरिनरी ब्लैडर कैंसर भी हो जाएगा। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जो सिगरेट स्मोकिंग से होते थे। तो स्मोकिंग से क्या होता है? ओनली लंग कैंसर कि थ्रोट कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसिमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, उसके बाद गैस्ट्रिक अल्सर, ये सब भी हो जाएगा। टोबैको चबाने से ओरल कैंसर होगा। इंडिया में टोबैको ज़्यादा चबाया जाता है गुटखा के थ्रू, तो ओरल कैंसर वगैरह हो जाएगा तम्बाकू के रूप में। स्मोकिंग से क्या होता है? कार्बन मोनो कंटेंट हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। अब बताओ स्मोकिंग करने से कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन मोनो। और कार्बन मोनो हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके परमानेंट कंपाउंड बना देती है, और ये परमानेंट कंपाउंड जो होता है इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये परमानेंट कंपाउंड होता है इसलिए क्या होगा? HBCO बन जाएगा, और HBCO बन जाने से ऑक्सीजन अब इससे नहीं जुड़ पाएगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाएगा तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और अंततः हमारी डेथ हो जाएगी। तो क्या लिखा है? स्मोकिंग इंक्रीज द कार्बन मोनोगैस इन ब्लड एंड रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीम बाउंडेड ऑक्सीहीमोग्लोबिन, मतलब हीम बाउंडेड ऑक्सीजन नहीं होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन का हीम ग्रुप किससे जुड़ गया है? कार्बन मोनो से। एंड दिस कॉज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी। इससे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई, कहाँ पे? बॉडी के अंदर, और डेथ हो जाएगी। ये देखिए स्मोकिंग से लिया जा रहा है, ये देखिए
गुटखा, और इंडिया में गुटखा बहुत खाते हैं, उसके अलावा देखिए स्नफ करते हैं इंडिया में, तो ये हो गया। ये वाला देखिए, ये कार्बन मोनोगैस आ गई हमारे आरबीसी में, और ये हीमोग्लोबिन है रेड रेड कलर के मॉलिक्यूल, और ब्लैक कलर के मॉलिक्यूल कार्बन मोनो को दिखाए गए हैं, और ये हमारे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन सीओ के साथ मिल जा रहा है, यानी रेड वाला ब्लैक के साथ मिल जा रहा है, तो HbCO बन जा रहा है, यानी ब्लैक और रेड कंपोनेंट बन जा रहा है। इसका नाम होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और ये स्टेबल कंपाउंड है, और ये ऑक्सीजन की तुलना में 210 गुना ज़्यादा एफिनिटी शो करता है। ये हीमोग्लोबिन से 210 गुना ज़्यादा तेजी से जाके जुड़ता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ये मतलब परमानेंट कंपाउंड है, परमानेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो क्या लिखा है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ना तो ऑक्सीजन ले जाएगी ना कार्बन डाइऑक्साइड ले जाएगी। इस कंडीशन को बोलते हैं एनोरेक्सिया, सॉरी एनो एनो एनोक्समिया, ठीक है, एनोक्समिया, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना। इससे क्या हो जाएगा, इससे सफोकेशन हो जाएगा, यानी सांस लेने में बहुत दिक्कत आएगी और अंततः डेथ हो जाएगी। जब कोई भी व्यक्ति सिगरेट का पैकेट खरीदता है, तो उसको जो स्टेटरी वार्निंग है, यानी वैधानिक चेतावनी है, वो पढ़ना नहीं भूलना चाहिए जो उसके पैकेट पे दी हुई होती है। क्या दिया होता है, देखो लिखा है, व्हेन वन बाय द पैकेट ऑफ सिगरेट वन कांट मिस द स्टेटरी वार्निंग दैट इज प्रेजेंट ऑन द पैकिंग विच वार्न अगेंस्ट स्मोकिंग, जो कि स्मोकिंग के अगेंस्ट चेतावनी लिखी होती है। क्या लिखी होती है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए। जैसे देखो गुटके लिखा है, तंबाकू खाने के फायदे, ये देखो कितना बड़ा फायदा है इसका, इतना पूरा कैंसर हो गया इसको, यहाँ पे ओरल कैंसर हो गया है, ये इतना लोथड़ा यहाँ पे मांस का निकल चुका है, फिर भी देखो लिखा है टोबैको कॉज माउथ कैंसर, फिर भी लोग नहीं मानते हैं और ये खाते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखो ये सिगरेट पी रहा है गोल्ड फ्लैग, और इसमें देखो मुंह से सिगरेट पकड़ा हुआ है, और सामने इतना बड़ा फोटो बना हुआ है, इतनी बड़ी वार्निंग लिखी है, लेकिन फिर भी ये पी रहा है। तो ये वार्निंग हमें नहीं भूलनी चाहिए कि इंजरियस टू हेल्थ लिखा हुआ है, इट कॉज द थ्रोट कैंसर लिखा है ना, स्मोकिंग कॉज थ्रोट कैंसर या लंग कैंसर कॉज करेगा, तो इट इज इंजरियस टू हेल्थ, येट स्मोकिंग इज वेरी प्रीवेलेंट इन सोसाइटी। बावजूद इसके देखो ये पी रहा है, बावजूद इसके ये बहुत पी रहा है, हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, बोथ यंग एंड ओल्ड, मतलब यंग लोग भी पीते हैं ओल्ड लोग भी पीते हैं। नोइंग द डेंजर ऑफ स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको, मतलब लोग जानते हैं कि स्मोकिंग कितनी घातक है, च्यूइंग और टोबैको कितना घातक है, कितना ज़्यादा ये एडिक्टिव नेचर का होता है यूथ में या ओल्ड में, फिर भी लोग इससे बच नहीं पाते, ठीक है ना। तो उनको बचने की आवश्यकता है, यानी ओल्ड एंड यूथ इनको अवॉइड करना चाहिए ये हैबिट, ठीक है। एनी एडिक्ट रिक्वायर काउंसलिंग, अगर कोई इससे सफ़र कर जाए तो इस व्यक्ति को नशा मुक्ति केंद्र जाना चाहिए ताकि इससे छुटकारा पाया जा सके। तो एनी एडिक्शन रिक्वायर काउंसलिंग एंड मेडिकल हेल्प टू गेट रिड ऑफ हैबिट, यानी जिन लोगों को इसकी लत लग जाती है उनको नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाता है, उससे क्या होता है उनको काउंसलिंग करी जाती है, उनको धीरे धीरे समझाया जाता है कि कितना खतरनाक है, तो धीरे धीरे इनको समझ आ जाता है और इससे ये नशे से मुक्त हो जाते हैं। अब एडोल्सेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज, तो आज हम एडोल्सेंस पढ़ पाएंगे। तो एडोल्सेंस क्या होता है, देखो जैसे इस फोटो को देखो, ये बच्चा देखो बिल्कुल अभी टीन एज में है, ये बच्ची भी देखो टीन एज में है, और उस समय देखो दोनों अपनी अपनी लाइफ में मस्त हैं बिल्कुल, यानी वो एज ही बड़ी मस्त होती है एडोल्सेंस स्टेज। तो एडोल्सेंस क्या होता है, एडोल्सेंस का मतलब ये एक पीरियड है कि एक प्रोसेस है, तो आंसर आएगा बताते हैं, ये पीरियड भी एक प्रोसेस भी है। पीरियड क्यों है, पीरियड इसलिए है क्योंकि 12 से 18 सालों तक में का टाइम एडोल्सेंस कहलाता है, तो 12 से 18 सालों का जो पीरियड होता है वो एडोल्सेंस होता है। तो शुरू से पढ़ते हैं, एडोल्सेंस मीन्स ए पीरियड, तो पीरियड कितने साल का है, 12 से 18। प्रोसेस क्यों है, क्योंकि बच्चा जो चाइल्ड है, चाइल्ड वो मैच्योर हो जाता है, वो हिज या हर एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड को मैच्योर, अपने एटीट्यूड में बदलाव आता है, उसके एटीट्यूड में बदलाव आ जाता है, मैच्योरिटी आ जाती है, और बिलीफ डेवलप होने लगता है, वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने के लिए आतुर होता है, यानी सोसाइटी में थोड़ा इंडल्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अब उस हिसाब से सोचें तो क्या है? प्रोसेस है, जब सोसाइटी में अपने आप को बदलाव करके एडजस्ट कर रहा है तो वो क्या हो रहा है, ये है प्रोसेस। तो पीरियड कितने देर का है, 12 से 18 सालों का, ठीक है, और बोला गया है इसी पीरियड को एडोल्सेंस पीरियड कहते हैं। दूसरे शब्दों में एडोल्सेंस इज द ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, यानी बचपना खत्म हो रहा है बच्चे का, चाइल्डहुड खत्म हो रहा है, ठीक है, 12 सालों के बाद चाइल्डहुड खत्म हो रहा है और एडल्टहुड आ रहा है, क्योंकि 18 साल के बाद वो एडल्टहुड आ जाएगा उसमें, यानी बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा 18 ईयर्स का। तो इसी पीरियड को एडोल्सेंस पीरियड बोलते हैं, और इसमें बच्चे के शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, ज्ञानात्मक रूप में सब में बदलाव आएगा।
तो एडोलसेंस में क्या होता है, एडोलसेंस में बहुत सारे बायोलॉजिकल, बिहेवियरल और भी बहुत सारे चेंज होते हैं। अभी मैं एक फिगर दिखाऊंगा, और भी बहुत सारे चेंज होते हैं। बायोलॉजिकल चेंज जैसे फीमेल में मेंसुरल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, कि ठीक है ना, आवाज़ पतली हो जाएगी, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाएगा, उसको पता रहेगा कि हाँ क्या हमारे लिए अच्छा है क्या नहीं है, किस चीज़ को ओपनली डिस्कस करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, बिहेवियर में बदलाव आ जाएगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है ना। देखो जैसे दोनों एक ही माइक में गाना सुन रहे हैं, यानी मस्त है अपने अपनी लाइफ में, तो बिहेवियरल चेंज आया ना। और एडोलसेंस दस इज वेरी वल्नरेबल फेज, एडोलसेंस एक बहुत ही नाजुक अवस्था है जिसमें मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाता है व्यक्ति का, मानसिक और मनोचिकित्सक मतलब मनोवैज्ञानिक उसका विकास हो जाता है, मतलब मानसिक रूप से भी वो डेवलप कर जाता है और कैसा होता है, और साइकोलॉजिकली रूप से भी वो डेवलप कर जाता है। ये देखो एडोलसेंस में कितने तरह के डेवलप हो रहे हैं, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है पहला, फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा इमोशनल डेवलपमेंट, उस समय बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाता है बच्चा, बोलते नहीं मुझे इससे प्यार हो गया, मुझे इससे नफरत हो गई, ये हो गया, तो फिजिकल उसमें डेवलपमेंट होगा, इमोशनल डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट, देखो एक दूसरे से क्लैप कर रहे हैं, एक दूसरे से पार्टी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, यानी सोशल डेवलपमेंट हो गया। और कॉग्निटिव का मतलब ज्ञान वाइज, ज्ञान का विकास हो जाता है, ऐसा होता है तो क्यों होता है, क्यूरियसिटी डेवलप हो जाती है, तो ज्ञान, उसको ज्ञान अर्जित करने का बहुत ज़्यादा उस समय उसको क्यूरियसिटी होता है, ठीक है। एडोलसेंस और उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या समस्याएं आती हैं उनमें, तो देखो सबसे बड़ी समस्या है क्यूरियसिटी, उस समय क्यूरियसिटी बहुत ज़्यादा होती है, किस किस चीज़ की, एडवेंचर की, एक्साइटमेंट की और एक्सपेरिमेंटेशन की। आप देखो इस फिगर में ही देख पा रहे हो, ये देखो ये उछल रहा है, ये देखो ये उछल रहा है, ये देखो दोनों क्या हो रहे हैं, भाग रहे हैं, एक लड़की एक लड़का, तो ये सब क्या है, ये सब उस एज की एक वो होती है, एडवेंचर करने की, एक्साइटमेंट करने की, कुछ नया करने की, डाइवर्ट होने की, ये सब होती है उसके अंदर, तो क्यूरियसिटी होती है, एडवेंचर करने की नीड होती है, एक्साइटमेंट करने की नीड होती है, एक्सपेरिमेंटेशन करने की नीड होती है, ये सब कॉमन कॉजेज हैं जो मोटिवेट करते हैं किसको, यंगस्टर्स को, किसकी तरफ, ड्रग या अल्कोहल यूज़ करने की तरफ, यानी उसको लगता है कि अगर पापा हमारे सिगरेट पीते हैं तो हम भी पिए, कोई व्यक्ति ड्रग ले रहा है तो हम भी लें, कोई व्यक्ति अल्कोहल ले रहा है तो क्यों ले रहा है, लाओ हम भी लेके देखें, तो चाइल्ड की ये जो क्यूरियसिटी है यही उसको मोटिवेट करती है, हिम या हर, यानी मेल हो या फीमेल, मोटिवेट करती कि चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, एक बार लेके देखते हैं क्या होता है। फिर दिस इज कॉम्प्लिकेटेड फर्दर, लेकिन ऐसा बार बार अगर लेने लगे तो कॉम्प्लिकेसी बढ़ जाती है, तो दिस इज कॉम्प्लिकेटेड फर्दर बाई इफेक्ट दैट माइट बी परसिव्ड एज बेनिफिट। जब कोई भी व्यक्ति मेल हो या फीमेल हो, अगर वो बेनिफिट के लिए इसको यूज करने लगे, किसको, एल्कोहल या ड्रग को, तब समझो बहुत कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। बोल रहे हैं भले ही फर्स्ट यूज ऑफ ड्रग या एल्कोहल कैसा रहा हो, क्यूरियसिटी की वश लिया गया हो, कोई भी चीज़ भले ही पहली बार क्यूरियसिटी वश या एक्सपेरिमेंट करने के लिए ली गई, लेकिन जब बाद में उसको कोई भी समस्या आती है तो वो उस पर स्विच ओवर हो जाता है। जैसे पहली बार मान लो मैंने ड्रग या अल्कोहल लिया, अब मैं तो पहली बार एक्सपेरिमेंट करने के लिए लिया था या जानने के लिए किया था चलो होता क्या पीने से, अब उसके बाद जब मैं जरा भी मेंटली अपसेट हुआ मैंने पी लिया, मैंने अपने आप को ड्रग ले लिया, तो द फर्स्ट यूज ऑफ ड्रग या अल्कोहल मे बी आउट ऑफ क्यूरियसिटी या एक्सपेरिमेंटेशन, बट द लेटर द चाइल्ड स्टार्ट यूजिंग दीज टू स्केप फेसिंग प्रॉब्लम, यानी बाद में वो बच्चा प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए ये चीज़ करने लगता है ऑफ लेट, और बाद में स्ट्रेस में, और फ्रॉम द प्रेशर टू एक्सेल इन द एकेडमिक्स, यानी एकेडमिक्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है उसके ऊपर, एग्जाम्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या फिर has played significant role persuading the youngster to alcohol or drug, यानी ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों, स्ट्रेस के कारण और एकेडमिक्स में परफॉर्मेंस नहीं सही आ रही, एग्जाम्स में अच्छा नहीं कर पा रहा है, बड़ा प्रेशर है, तो इस वजह से यंगस्टर्स ज़्यादातर चले जाते हैं अल्कोहल या ड्रग की तरफ, ठीक है। द परसेप्शन अमंग द यूथ हैज टू बी कूल और प्रोग्रेसिव टू स्मोक, कुछ लोगों को ये लगता है कि अल्कोहल या ड्रग लेने से हम बहुत कूल दिखाई पड़ेंगे, ये बहुत अच्छा है सोसाइटी के लिए, तो इज ऑल्सो ए वेरी मेजर कॉज ऑफ यूथ टू स्टार्ट देयर हैबिट्स, तो इसीलिए वो लगता है कि अगर शराब नहीं पिएंगे तो हमको लोग सोसाइटी बोलेंगे अरे कैसे हो, सिगरेट नहीं पिएंगे तो अरे तुम कैसे बच्चे हो, तुम तो कुछ करते ही नहीं लाइफ में। टेलीविज़न, मूवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, ये सब भी बच्चे को प्रमोट करते हैं कि भाई ये सब चीज़ों को की तरफ उसका लालच बढ़ाते हैं। अदर फैक्टर दैट हैव बीन सीन टू बी एसोसिएटेड विद ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़ अमंग द एडोलसेंस, और क्या फैक्टर है, और ये फैक्टर भी हो सकता है कि उसकी फैमिली बड़ी अनस्टेबल है,
ठीक है, अनसपोर्टिव फैमिली में रह रहा है जहां रोज लड़ाई झगड़ा होता है, रुपए पैसे का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, या फिर पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा है, यानी कि जो उसके आसपास के लोग हैं बहुत दबाव बना रहे हैं किसी चीज को कि तुम्हें यही करना है लाइफ में, डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है, बहुत ज्यादा दबाव बना रहे हैं, तो भी वो बच्चा अपनी बात किसी को ना बता के अपना अंदर ही अंदर घुटता रहता है और ये मेडिसिन और ड्रग्स लेता रहता है। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग ने ये ड्रग्स एब्यूज़ के बारे में कर लिया, हम लोग ने टोबैको के बारे में कर लिया, उसके बैड इफेक्ट को देखा। फिर मिलते हैं बेटा इसके आखिरी लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड लक। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं बेटा, ऑल द बेस्ट।